अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमिना साजिद। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों पर। खबर शामिल करते हैं पाक पतन से। हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद खिचे की रिपोर्ट के मुताबिक पाक पतन मामों ने भांजी को अगवा करके शादी रचा ली। उल्मा ने शादी को गैर शरई करार दिया। पुलिस मुलजिमान के साथ साजबाज हो गई। अहले खाना और अहले इलाका का शदीद एहतजाज। थाना सदर के इलाका 5 मरला स्कीम 25 SP में मामों ने भांजी से निकाह रचा लिया। दरख्वास्त देने पर मुसल्ला अफराद ने मुखिया के वालिद पर हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने जाय वकवा से मुलजिमान गिरफ्तार करके छोड़ दिए। मुलजिमान की गिरफ्तारी की वीडियो मीडिया में मौसूल कर ली। मुखिया के वालिद के मुताबिक पुलिस मुलजिमान के साथ सांस पास है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, आला हुकाम मेरी बेटी को बाज़ियाब करवाएं। दूसरी तरफ उलमाए कराम ने भांजी के साथ निकाह गैर शरई करार देते हुए मामू भांजी के साथ निकाह पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। बड़ी जाती हुई है, मामा जी बड़ी मगा करते लग गए। अगले सुने उन्होंने निकाह कर लिया, जाती है फिर इन मारना आए बंदे आए उन्होंने। असी मल्लेदार हैं, लोग प्यार ना बड़ी जाती है जी। उनकी उनका साला उनकी बेटी अगवा करके ले गया, जो जायज नहीं शरीयत है, जायज नहीं, इन्हें इन्हें इंसाफ मिला गया। मेरी बच्ची ने मेरे साला अगवा करके ले गया, उन्होंने जबरदस्ती उनके नाम निकाह कर दिया। फिर मैं वे वडेर को गया, मैं फरियाद की, तरद पाए मिन्नत की, उन्होंने मैनु कोई जवाब नहीं दिता। उन्हें आख्या कानून को जा, जो मैं कानून को गया तो उन्होंने मैनु कोई इंसाफ नहीं दिता। मैं रोया पिटिया सारा कुछ किया, मैनु कोई इंसाफ नहीं दिता। फिर मैं उन्होंने को दोबारा पेश होया, फिर मैनु कोई इंसाफ नहीं दिता। उन्होंने बंद ने जमानत करा के तो मेरे को आख्या मारिया कुटिया, तो मेरा कोई एक्शन नहीं दिया। तो उस तो बाद मैं हर बंदे को मिन्नत कराई, सारा कुछ किया, मैनु कोई रिजवाना बीबी मेरी बच्ची थी कश्यप जी, उसको मेरा भाई अगवा करके ले गया। हमें पता चला तो बाद में भी उसके साथ शादी कर ली उसने। हमने कोई सबके पास गए, किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। उन्होंने बोला अदालत में पड़ जाओ, अगर हम अदालत में जाने की कोशिश की तो जी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हमारी सुनी, इधर के किसी ने नहीं कोई। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पाक 99 न्यूज़ HD। अलानी के बाद